सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। भारतीय देवियों में सती शिरोमणि भगवती श्री सीता जी का स्थान सर्वोत्तम है। स्त्री के शील और धैर्य की तो श्री सीता जी के चरित्र में पराकाष्ठा है। यही कारण है कि भारतीय साहित्य के अधिकांश पृष्ठ श्री सीता जी के धवल चरित्र के साक्षी बने हुए हैं। इतिहास पुराण से लेकर ग्राम में गीतों तक में श्री सीता जी की समान रूप से प्रतिष्ठा हुई है। प्राचीन काल में मिथिलापुरी में सीरध्वज जनक नाम के एक प्रसिद्ध धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। वे शास्त्रों के ज्ञाता, परम वैराग्यवान तथा ब्रह्मज्ञानी थे। एक बार राजा जनक यज्ञ के लिए भूमि जोत रहे थे। भूमि जोतते समय हल का फाल एक घड़े से टकराया। राजा ने वह घड़ा बाहर निकलवाया। उससे राजा को अत्यंत ही रूपवती कन्या की प्राप्ति हुई। राजा ने उस कन्या को भगवान का दिया हुआ प्रसाद माना और अपनी औरस पुत्री की भांति बड़े ही लाड़ प्यार से उसका लालन पालन करने लगे। उस कन्या का नाम सीता रखा गया। जनक जी की पुत्री होने के कारण वह जानकी भी कहलाने लगी। सीता जी शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिनों दिन बढ़ने लगी। शरीर के ही साथ रूप लावण्य और गुणों की भी वृद्धि होने लगी। धीरे धीरे जानकी जी विवाह के योग्य हो गई। महाराज जनक जी ने धनुष यज्ञ के माध्यम से उनके स्वयंवर का आयोजन किया। निमंत्रण पाकर देश देश के राजा मिथिला में आ गए। महर्षि विश्वामित्र भी श्री राम और लक्ष्मण जी के साथ यज्ञोत्सव देखने के लिए मिथिला में पधारे। राजा जनक जी को जब उनके आने का समाचार मिला तब वे श्रेष्ठ पुरुषों और ब्राह्मणों को साथ लेकर उनसे मिलने के लिए गए। श्री राम जी की मनोहारिणी मूर्ति देखकर राजा विदेह जनक विशेष रूप से विदेह हो गए, अर्थात वो अपनी देह की सुदबुद भूल गए। विश्वामित्र जी ने श्री राम जी के शौर्य की प्रशंसा करते हुए महाराज जनक से अयोध्या के दशरथ नंदन के रूप में उनका परिचय कराया। परिचय पाकर महाराज जनक जी को विशेष प्रसन्नता हुई। पुष्प वाटिका में श्री राम सीता जी का प्रथम परिचय हुआ। दोनों चिर प्रेमी एक दूसरे की मनोहर मूर्ति को अपने हृदय में बसाकर वापस लौटे। सीता जी का स्वयंवर आरंभ हुआ। देश विदेश के राजा ऋषि मुनि नगरवासी सभी अपने अपने नियत स्थान पर आसीन हुए। श्री राम जी और लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ एक ऊंचे आसन पर विराजे। भाटों ने महाराजा जनक के प्रण की घोषणा की। शिव जी के कठोर धनुष ने वहां उपस्थित सभी राजाओं के दर्प को चूर चूर कर दिया। अंत में श्री राम जी विश्वामित्र जी की आज्ञा से धनुष के समीप गए। उन्होंने मन ही मन गुरु को प्रणाम करके बड़े ही लाघव से धनुष को उठा लिया। एक बिजली सी कौंधी और धनुष दो टुकड़े होकर पृथ्वी पर आ गया। प्रसन्नता के आवेग और सखियों के मंगल गान के साथ सीता जी ने श्री राम जी के गले में जयमाला डाल दी। महाराज दशरथ जी को जनक का आमंत्रण प्राप्त हुआ। श्री राम जी के साथ उनके शेष तीनों भाई भी जनकपुर में ही ब्याहे गए। बारात विदा हुई और पुत्रों और पुत्र वधुओं के साथ महाराज दशरथ अयोध्या पहुंचे। श्री राम को राज्याभिषेक के बदले अचानक 14 वर्ष का वनवास कैकेयी माता ने मांग लिया। सीता जी ने तत्काल अपने कर्तव्य का निश्चय कर लिया। श्री राम जी के द्वारा अयोध्या में रहने के आग्रह के बाद भी श्री सीता जी ने सभी सुखों को
तिनके के समान त्याग दिया और वे श्री राम जी के साथ वन को चली गई। सीता जी वन में हर समय श्री राम जी को स्नेह और शक्ति अपनी कोमल वाणी और सेवा के द्वारा प्रदान करती रहती थी। श्री राम जी का अयन रामायण महर्षि विश्वामित्र जी की यज्ञ रक्षा से प्रारंभ होकर जनकपुर में शक्ति वरण पर समाप्त हुआ। वन में रावण के द्वारा सीता हरण करके उन्हें समुद्र के पार लंका ले जाना और वहां अशोक वाटिका में सीता जी को रखकर उनके ऊपर राक्षसियों द्वारा अत्याचार कराने के बाद भी श्री सीता जी अपनी पति भक्ति से और अपने सतीत्व से जरा भी विचलित नहीं हुई। वो मन और प्राण से केवल श्री राम प्रभु की बात जोहती रही। लंका में प्रवास भगवती सीता जी के धैर्य की पराकाष्ठा है। फिर वीर महाबली पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने जाकर श्री भगवती सीता जी को प्रभु राम का संदेश सुनाया। समुद्र को पार करके श्री रामचंद्र जी ने रावण के साथ अजेय राक्षसों का संहार करके अपनी श्री सीता शक्ति को पुनः प्राप्त किया। भगवती सीता जी के कारण ही जनकपुर वासियों को श्री राम जी का दर्शन और लंका वासियों को मोक्ष प्राप्त हुआ। जब तक इस संसार में सनातन धर्म रहेगा तब तक सती शिरोमणि भगवती श्री सीता जी के नाम को स्मरण करके स्त्रियां अपने सती धर्म को प्राप्त करेंगी। जय हो सीता मैया की।